अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट किस्म की रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं, गोभी का सूप। हो सकता है कि मेरे बहुत से दोस्तों ने इसका नाम पहले कभी भी ना सुना हो, तो आज हम इसको बनाने जा रहे हैं बहुत डिफरेंट, बहुत जायकेदार। और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको एक बार बना के अपने फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। यहाँ हमने गोभी को इस तरह से काट के रखा हुआ है जैसे मैंने आपको दिखाया, आप नॉर्मल में भी काट सकते हैं। कुछ इसमें डबल क्रीम हम शामिल करेंगे, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा प्याज, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, जितना आपको जायके के मुताबिक चाहिए। साथ ही साथ मैंने ऑलिव ऑयल रखा है, आप दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा देसी घी है, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। लेमन है और साथ ही कुछ थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने ये जो कटे हुए स्लाइसेस हैं गोभी के, इनके ऊपर हमने तेल लगाना है। ये देखिए, इस तरह से ब्रश की मदद से या हाथों की मदद से, जो आपको आसान हो उस तरीके से आप इसके ऊपर तेल लगा दीजिए। ये देखिए, इस तरह से हम इसके ऊपर तेल लगाएंगे। अगर आपने छोटे छोटे गोभी के फूल जो फूल हैं वो काटे हैं, तो आप उनको भी इसी तरह से ही तेल लगा सकते हैं, या उनके ऊपर आप ऑयल डाल के हाथों से मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया हमारा, तेल हमने लगा दिया सभी स्लाइसेस के ऊपर। तो अब हमने ये करना है कि थोड़ा थोड़ा सा हमने नमक इसके ऊपर इस तरह से छिड़क देना है। पहले हम इसके ऊपर नमक लगाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर हम स्प्रिंकल करेंगे। ये देखिए, इस तरह से लाल मिर्च का पाउडर हमने स्प्रिंकल किया और उसके बाद हमने इन स्लाइसेस को, ये ऑयल, नमक और लाल मिर्च, इसको हमने मल के अच्छी तरह हाथों से इसके ऊपर थोड़ा सा जज्ब कर देना है। हमारा ओवन गरम है, हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक ओवन में रखेंगे। इतनी देर में हम बाकी की चीज़ें जो हैं उनको बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑयल डाला है 2 टेबलस्पून के करीब और उसके अंदर हमने लहसुन शामिल कर दिया है। लहसुन को हम थोड़ा सा बस भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, तो इसको हम भून लेते हैं। और साथ ही हमने इसके अंदर अपने कटे हुए, जो बारीक कटे हुए प्याज हैं वो शामिल कर दिए हैं। अगर आप बारीक प्याज ना भी काटना चाहें, आप मोटे मोटे भी काट के इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि बाद में हमने इनको मैश करना है। तो प्याज हमारे थोड़े से ब्राउन हो गए हैं, तो इसके अंदर हमने थोड़ी सी ये जो चिकन क्यूब्स होती हैं वो मैंने शामिल की हैं जायके के लिए। मैंने दिखाई नहीं थी, लेकिन अगर आप इसको डालना चाहें तो आप इसको डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप स्किप कर दीजिए। थोड़ा सा हमने इसको भूना है और उसके बाद इसमें हमने पानी शामिल कर दिया है, तकरीबन 6 से 7 कप पानी है। साथ ही साथ इसके अंदर हम अपने जायके के मुताबिक थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़े से मिक्स स्पाइस डालेंगे और काली मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर भी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। लीजिए, ये सब हमने डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। टाइम हुआ है हमारे गोभी के स्लाइसेस इसमें डालने का। ये देखिए, ये ब्राउन हो चुके हैं ओवन में, इनको हमने निकाला है और निकाल के इसके अंदर शामिल कर रहे हैं सारे जितने भी हमारे गोभी हमने रखी थी। ये तकरीबन 1 फूल है, तो इसको हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और शामिल करके इसको हम तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट तक इसको पकाएंगे, लेकिन बहुत धीमी आंच पे। ये देखिए, ये बन गया है, काफ़ी टाइम गुजर चुका है और ये मैं आपको दिखा दूँ, गोभी भी गल गई है और ये काफ़ी रिड्यूस भी हो गया है। अब इस टाइम में इसके अंदर हमने डबल क्रीम शामिल कर दी है, और अगर आपके पास डबल क्रीम अवेलेबल नहीं है
तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी शामिल कर सकते हैं। तो अब हैंड ब्लेंडर के साथ इसको हमने बहुत अच्छी तरह से मैश करना है। और दूसरी सूरत में अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इसके अंदर से गोभी को निकाल के तो किसी भी ग्राइंडर में आप डाल के इसको मैश कर सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से ये सूप की शक्ल में आ चुका है। तो बिल्कुल हर चीज़ इसके अंदर मिक्स हो गई है। यहाँ पे थोड़ा सा बटर या देसी घी जो भी आप डालना चाहें आप इसके अंदर शामिल कीजिए और इसके बाद इसको मिक्स कीजिए। यहाँ पे मैंने इसको 4 से 5 मिनट तक और पकाना है। और हमारी जो आँच है वो बिल्कुल धीमी है, हमने उसको मीडियम भी नहीं किया। तो ये देखिए, ये बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। अब इसके अंदर टाइम है लेमन जूस शामिल करने का, जबकि हमारी क्रीम पक चुकी है। अगर हम क्रीम के साथ ही इसको डाल देते तो यकीनन वो फट जाती और उसका पनीर बन जाता। तो अब हमने लेमन डाल दिया है और ये 1 मिनट हमने और पकाया है और उसके बाद ये हम सर्व करने के लिए डाल रहे हैं। थोड़े से मिक्स स्पाइसेस मैंने इसके ऊपर और छिड़क दिए हैं, साथ ही साथ मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा, और ये चिली ऑलिव ऑयल है जो मैंने इस वक्त डाला है। आपके पास जौन सा भी मौजूद है आप डाल दें। और फ्रेश पार्सले मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। लीजिए जी, हमारा सूप बनके बिल्कुल तैयार है और बहुत ही जायकेदार, बहुत ही आसान और जल्द बनने वाला। तो चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं। आप इसको बनाने की तैयारी कीजिए और नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह निगेबान हो आप सबका।